कमाल के दो ट्रिकिंग स्किल आप कुछ ही देर में सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सीखने वाले हैं गम्बी और TDR। और गाइज आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज को सीखना है, गम्बी। उसकी मदद से आप TDR चुटकी में सीख सकते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप को। अगर आप पहली बार गम्बी देख रहे हैं और पहली बार TDR देख रहे हैं, तो उससे पहले आपको कार्डविल प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि बेसिक मूवमेंट है गम्बी का। तो हम पहले कार्डविल प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ और अपर पार्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। साथ ही साथ आपको गम्बी का पता चलेगा, गम्बी की पूरी मूवमेंट कैसे होने वाली है उसका पता चलेगा। तो कार्डविल को कैसे प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। लेफ्ट लेग और राइट हैंड में हाथ, पूरा बॉडी वेट लेते हुए आगे की तरफ, इस तरह से कार्डविल को प्रैक्टिस करें। कार्डविल जितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ही जल्दी गम्बी को सीखेंगे। तो ध्यान से देखें, कार्डविल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। पूरे लेग को खोलें, जितना आप लेग स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आप व्हील बना सकते हैं, लेग को स्ट्रेच करते हुए कार्डविल को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और हो सकता है तो दोनों तरफ कार्डविल को प्रैक्टिस करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपको गम्बी सीखने में रहेगा। इसे दिखाए गए तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिस करना है आपने। साथ ही साथ इसके साथ साथ आपने दो तीन कुछ एक्सरसाइज आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगी और स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी, और स्मूथली कर सकते हैं TDR और गम्बी को। तो दो एक्सरसाइज वो कौन कौन से है ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने एक वॉल ले लेना और वॉल की मदद से इस तरह से स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी है, यानी ये डायनामिक एक्सरसाइज है। डायनामिक स्ट्रेच को इस तरह से आपने लेग की जो स्विंग मूवमेंट है उसको इंप्रूव करना है। इसके साथ साथ आपने साइड टू साइड इस तरह से अपने लेग का जो स्ट्रेचिंग है उसको इंप्रूव करना है। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है आर्क पोजीशन। आर्क पोजीशन को ध्यान से देखें, जितना अच्छा आपका आर्क पोजीशन होगा उतना अच्छा आपका आर्क बनेगा गम्बी में। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में अब हम गम्बी की जो बेसिक मूवमेंट है उसको सीखेंगे। ध्यान से देखें गाइस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कार्डविल की पोजीशन में आ जाएं, जो कार्डविल का बेसिक पोजीशन है उसमें आ जाएं। अभी आपने गम्बी में आपका जो होपिंग लेग है और होपिंग हैंड है, जिसमें आप बॉडी का वेट लेने वाले हैं, उसको चेंज करना होता है गम्बी में। अभी तक आप लेफ्ट हैंड में वेट ले रहे थे और लेफ्ट लेग से क्या ले रहे थे, टेकअप ले रहे थे। लेकिन गम्बी में अब आपने क्या करना है, राइट लेग को आगे लाते हुए राइट लेग से टेकअप लेना है और राइट हैंड में ही आपने क्या करना है, बॉडी वेट को लेना है। यानी पहला हैंड आपका राइट हैंड लगेगा और सेकेंड हैंड आपका लेफ्ट हैंड लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके हाथों की मूवमेंट किस तरह से आने वाली है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले आपका राइट लगाएगा टेक ऑफ के लिए, उसके बाद राइट हैंड थोड़ा सा क्रॉस लगाना है आपने नीचे की तरफ। पूरा एक बार स्टार्टिंग में किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो देखें। यहां से सिर्फ इतना आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मूवमेंट। यहां से राइट लेग राइट हैंड जमीन में और बाएं पैर को आपने पूरा स्विंग से ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह से ध्यान से देखें एक बार, यहां से पूरा मूवमेंट अब इस मूवमेंट में होल्ड हो जाए। धीरे धीरे आपने हाथों में वेट लेने की कोशिश करनी है, ध्यान से देखें। इस तरह से आपने हाथों में वेट लेने की कोशिश करना है और धीरे धीरे आप दूसरी तरफ इस तरह से पूरा मूवमेंट को कंप्लीट करें। उसके बाद आप स्विंग के साथ कंटिन्यू मोशन में इस मूवमेंट को कंप्लीट करें। तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आपको जब गम्बी करेंगे आप, एक इमेजिनरी लाइन चूज करना है। इमेजिनरी लाइन, अब आपका जो टेकअप लेग होगा, यानी आपका जो टेकअप लेग और हैंड लगेगा वो लाइन से बाएं तरफ लगेगा और आपका जो लैंडिंग होगा वो दाहिने तरफ, एक सीधा मिडिल लाइन से दाहिने की तरफ होगा। यानी आपका इस तरफ उल्टी तरफ आर्क बनना चाहिए गम्बी के दौरान। सीधा करेंगे या फिर इधर की तरफ करेंगे तो गम्बी का जो स्मूथली मोशन है वो नहीं आएगा, गम्बी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। आपने क्या करना है, क्रॉस करना है। उसके लिए आपको सबसे जरूरी है आपका लेग का पुशिंग मूवमेंट। पुशिंग मूवमेंट आपने सीधा करने के लिए नहीं करना है, बल्कि ओवर आपका जो बॉडी वेट है ओवर जाने के लिए आपने पुशिंग मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, आपका जो मूवमेंट है सेम रहेगा, यहां से वन, इस तरह से आपने बॉडी को हल्का सा ओवर करने की कोशिश करना है और पहले दाहिने हाथ में वेट लेते हुए फिर बाएं हाथ को पूरा चेस्ट ओपन करते हुए पूरा गम्बी का मूवमेंट कंप्लीट करना है। इस तरह से मूवमेंट देखें एक बार पूरा। सो गाइज इतना आप करने के बाद, इसमें परफेक्ट होने के बाद, अब हम इसे TDR में कन्वर्ट करेंगे। TDR में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप को देखना पड़ेगा अच्छी तरह से। गाइज इतनी इजी तरीके से आप सीख रहे हैं दो स्टेप को, दो स्किल्स को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें। अब हम फोर्थ मूवमेंट में TDR का मूवमेंट सीखने वाले हैं। जब आप गम्बी में परफेक्ट हो जाते हैं तो अब आपने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। यहाँ पर आपका लेग का मूवमेंट सेम रहेगा, लेकिन जो आप अभी राइट हैंड लगाते थे
उसी के बदले आपने लेफ्ट हैंड को स्विंग के साथ दूसरी तरफ से स्विंग लेके करना है। ध्यान से देखें, आपका मूवमेंट सेम रहेगा, यहां से ये मूवमेंट रहेगा, लेकिन दाहिने हाथ को ना लगाते हुए आपने क्या करना है, बाएं हाथ को टर्न करने करके जमीन पे लगाने की कोशिश करना है। उसी में आपने जब आप टेकअप लेंगे यहां से जंप इंक्रीज करना है, टेकअप लेके लेफ्ट लेग को जमीन में ट्विस्ट करके लगाना है। ध्यान से देखें, हल्का पहले मूवमेंट करेंगे, एक बार ध्यान से देखें, ये मूवमेंट आ गया आपका। अब आपने इस तरह से क्या करना है, सेम मूवमेंट को लेफ्ट हैंड के स्विंग से कंप्लीट करना है। यहां पर आपका हैंड स्विंग काफी मैटर करता है गुम्बी के बाद TDR सीखने में, तो जितना हो सकता है लेफ्ट हैंड का स्विंग मूवमेंट इंक्रीज करें। ध्यान से देखें, रेडी 1 2। अब आपने जंप करना है, यहां से जंप करके लेफ्ट हैंड का स्विंग, और इससे पूरा जंप करना है, लेफ्ट लेग का जो स्विंग है उसे दूसरी तरफ से लेकर जाना है। 1 2 and 3, ये आपका बेसिक जंप आने वाला है TDR में। अब इसे धीरे धीरे बॉडी वेट को जितना नीचे लेके जा सकते हैं, जितना स्विंग को नीचे लेके जा सकते हैं राउंड करके उतना नीचे लेके जाएं। ध्यान से देखें, 1 2, इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड को जितना नीचे लगा सकते हैं, जितना स्विंग से जा सकते हैं उतना स्विंग से लेकर जाएं। साथ ही साथ जब आपका राइट लेग से जंप हो जाता है, जंप होने के बाद ये आपने टेकअप लिया, टेकअप के बाद जंप लिया, जंप के बाद लेफ्ट लेग को जितना स्विंग से, जितना सीधा स्विंग से लेके जाएंगे उतना अच्छा आपका TDR आएगा। TDR के बाद आप बहुत अच्छे वेरिएशन इसके कर सकते हैं। ध्यान से देखें एक बार किस तरह से करना है, रेडी 1 2, इस तरह से आप TDR स्टार्टिंग में सीख सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसमें स्पीड लाना है, अपनी जंपिंग पावर को इंक्रीज करना है, स्विंग मूवमेंट को इंक्रीज करना है, उसके बाद आप एक परफेक्ट TDR कंप्लीट कर लेंगे गुम्बी के साथ साथ। तो ध्यान से देखें TDR को किस तरह से अब आप स्पीड से जंप करेंगे। ये आपका एक परफेक्ट TDR आ जाएगा। एक बार सामने से देखें, स्विंग मूवमेंट सेम रहेगा आपका, जितना आर्क हो सकता है और जितना स्विंग ले सकते हैं आप उतना स्विंग इंक्रीज करें। इसके बाद आप इसके बहुत सारे वेरिएशन भी सीख सकते हैं, जैसे कि TDR के बाद 360 पुल इन बैक या फिर गेनर, इस तरह से बहुत सारे वेरिएशन आप इजीली लर्न कर सकते हैं, या फिर स्विच गेनर आप इजीली लर्न कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।